हेलो एवरीवन, ये है मैं स्पीहू और मैं हूँ सताक्षी और आप हैं मेरे चैनल ब्यूटीफुल ऑलवेज पर। और आज का वीडियो है एक DIY वॉल डेकोर DIY। आई थिंक आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि ये डेकोर कैसा है थोड़ा सा। तो जब मैं स्पीहू सो रही थी तो तब मैंने ये डेकोर कंप्लीट किया है और विद इन 20 रुपीज में ये डेकोर इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं देखते हैं। हमारा घर जो है एक रेंडेड पोर्शन है। ये किचन की साइड वाली जो वॉल है ये बिल्कुल प्लेन है। तो यहाँ मुझे एक टेम्प्रेरी DIY करना था जो मैं बाद में रिमूव भी कर सकूँ। तो इसके लिए मैंने ये DIY कंप्लीट किया है। इसके लिए आपको चाहिए आर्कलिक कलर्स जो इजीली आपको स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएंगे। इसके बाद आपको चाहिए थर्माकोल प्लेट्स। आप अपनी वॉल के अकॉर्डिंग साइज़ चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 थर्माकोल प्लेट्स ली हैं जो मुझे विद इन 20 रुपीज़ पड़ गई हैं। इसके बाद आपको इन प्लेट्स को अच्छे से कलर कर लेना है। जो कलर आपको अच्छा लगता है वो कलर कर सकते हैं। मैंने यहाँ 3 प्लेट्स पर पिंक कलर किया है और 2 प्लेट्स पर मैंने यहाँ येलो कलर किया है। कलर्स को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ये पिंक कलर मुझे थोड़ा सा फेड लग रहा है तो मैं यहाँ पिंक की जगह इस पर मैंने दोबारा रेड कलर किया है क्योंकि अच्छे से कवर नहीं कर पा रहा था। आप देख रहे हैं वाइटनेस दिख रही है। कलरिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। प्लेट सूखने रख दी है मैंने। अब मैंने ये क्राफ्ट पेपर लिया है, इसको मैंने ट्राइंगल शेप में कट कर लिया है। अब इसको मैं प्लेस ऑन करूँगी रेड अपनी प्लेट पर। फेविकोल से मैंने इसको अच्छे से स्टिक कर दिया है। अब मैं कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ढूंढ रही हूँ रखने के लिए। कोई भी ऑब्जेक्ट इजीली आप प्लेस ऑन कर दीजिए ताकि अच्छे से इस पर ये स्टिक हो जाएं। येलो वाली प्लेट्स कुछ खाली खाली लग रही थी तो इस पर मैं पेस्ट कर रही हूँ ये मोर पंख। ये घर में मेरे पास पड़ा था, इसको मैंने फेविकोल से थोड़ा सा पेस्ट कर दिया है यहाँ पर। अब सारी जो प्लेट थी उस पर डबल साइडेड टेप लगा कर मैंने यहाँ पर वॉल पर प्लेस ऑन कर दिए हैं। आप देख सकते हैं। आप भी अपनी बोरिंग प्लेन वॉल को इस DIY से डेकोरेट कर सकते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग DIY ब्यूटी हैक्स के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए।